नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे घटक कसौटी क्रमांक 2, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कुल अंक 20 यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले पाठशाला का नाम लिखना है, उसके पश्चात छात्र का नाम लिखना है। चलो तो शुरू करते हैं आज का पेपर। दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ सूचनाएं दी गई है जो कि हमें अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके पश्चात गद्य विभाग, कुल अंक 8। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले हमें जो परिच्छेद दिया गया है उसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके पश्चात इसके ऊपर पूछे गए कृतियों के उत्तर देखेंगे। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयाना, तभी तो दी नहीं हड्डी में जबान। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। इसके पश्चात इस पर पूछे गए प्रश्न कृति क्रमांक 1 उत्तर लिखे। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। उत्तर, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे छुएगा भी नहीं। कृति क्रमांक 2, विद्वानों के समान सही या गलत लिखिए। एक, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, इसका उत्तर आ जाएगा गलत। 2, दांत घमंडी थे, उत्तर सही। कृति क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के क्रम अनुसार फिर से लिखिए। सबसे पहला, जीभ ने दांतों के घमंड चूर करते हुए चेतावनी दी। 2, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। 3, शक्तिशाली दांत अब अपनी हार क्यों मानने लगे। और 4, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो 4 कथन दिए गए हैं उन्हें हमें क्रम के अनुसार लगाना है। इसका क्रम आ जाएगा, सबसे पहला 3, शक्तिशाली दांत अपनी हार क्यों मानने लगे। 3 के पश्चात आ जाएगा 1, जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। घमंड इसके पश्चात 4, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। और इसके पश्चात 2, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। इस प्रकार इसके कथन अच्छे से लिख लेने हैं। इसके पश्चात शब्द संपदा, कृति क्रमांक 1, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखे। उत्तर, 1, घमंडी तथा 2, विवेकपूर्ण। इसके पश्चात कृति क्रमांक 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। सबसे पहला, विवेकपूर्ण, इसका आ जाएगा विवेक, तथा 2, घमंडी, इसका उत्तर हो जाएगा घमंड। स्वमत अभिव्यक्ति, घमंड मनुष्य का शत्रु है, इस विषय पर अपने विचार लिखें। दोस्तों, यह स्वमत का प्रश्न है जो हमें अपने मन से स्वयं से लिखना है। जो सबसे पहले हमने परिच्छेद पढ़ा इसके आधार पर हमें लिखना है, पर इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यह प्रश्न का उत्तर आप इससे अलग भी लिख सकते तो भी चलेगा। अगर इंसान को मान सम्मान धन दौलत चाहिए तो इसके लिए उसे सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई घमंड करता है तो उसे कोई भी मानता नहीं है, ना ही उसका कोई मान सम्मान करता है, बस उसके मुंह पर उसे
सब अच्छा बताते हैं पर उसके पश्चात उसे सब गाली गलौज करते हैं। अगर कोई विवेकपूर्ण रहा तो उसका मान सम्मान हर कोई करता है। इसके पश्चात पद्य विभाग कुल अंक 7। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार हो पा लेता प्यार। प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। लेकिन जर्रे को भी कभी अलग न कण से मान। इस पर पूछे गए प्रश्न कृति क्रमांक 1, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। पहला धर्म तथा दूसरा भाषा। हम धर्म और भाषा में अलग होकर भी हम सब एक हैं। उत्तर लिखे, खुदा और भगवान कहाँ बसता है? उत्तर, जर्रे जर्रे में खुदा बसता है तथा कण कण में भगवान बसता है। इसके पश्चात कृति क्रमांक 3, विद्वानों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। एक, विविध रंग करते नहीं हम सबको एक। उत्तर, असत्य। दो, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। उत्तर, यह विधान सत्य है। इसके पश्चात शब्द संपदा कृति क्रमांक 1, पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ियां लिखिए। उत्तर, एक, विवेकशील, इसका विलोम शब्द हो जाएगा घमंडी, तथा दो, उच्च, इसका विलोम शब्द हो जाएगा नीच। कृति क्रमांक 2, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। उत्तर एक नुकीले तथा दो शक्तिशाली। स्वमत अभिव्यक्ति, भारत की विविधता में एकता है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यह स्वमत का प्रश्न है तथा आप इसका उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। भारत एक महान देश है, यहाँ पर विविधतापूर्ण लोग रहते हैं। यहाँ पर अनेक धर्म तथा अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं तथा 15 अगस्त, 26 जनवरी सब मिलकर एक साथ मनाते हैं। और यहाँ पर भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। इसके पश्चात व्याकरण विभाग कुल अंक 5, प्रश्न क्रमांक 3, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द संज्ञा को भेद पहचान कर लिखिए सिर्फ एक। पहला, रामकुमार जी प्रयाग में रहते थे, तथा दो, मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है। उत्तर, प्रयाग स्थानवाचक तथा दो, मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, प्रेम भाववाचक। दो, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए सिर्फ एक लिखना है। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तथा दो, माँ क्या कर रही है? दो, माँ क्या कर रही है? उत्तर, प्रश्नार्थक। तीन, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। एक, नया ठेकेदार ईमानदार था, तथा दो, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। ईमानदार भाववाचक तथा तीसरे संख्यावाचक। चार, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित कारक शब्दों के भेद पहचान कर लिखें। एक, श्रीमती जी ने सूची मुझे दे दी, तथा दो, मेरा काम तो पुणे में था। एक, श्रीमती तथा दो, पुणे। इसके पश्चात 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द छाट कर उसका भेद लिखिए। मैंने आदर पाया और निरादर भी, तथा दो, रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। उत्तर, पहले का उत्तर आ जाएगा और तथा दूसरे का उत्तर हमें कमेंट में लिखना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।